हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग रहेगा गाइस बिल्कुल एक्सेल से रिलेटेड। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज भी था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ एक्सेल से, मतलब नेक्स्ट पिछले वीक ही डाला था। तो अभी आप लोग को पता है कि मैं घर आई हूँ, तो मैं इसलिए सोची अभी थोड़ा फैमिली ब्लॉग हो जाता है, इसलिए नहीं अपलोड कर पा रही थी। बट आप लोग के लिए मैंने अभी ब्लॉग को और जो मेरा पर्सनल ब्लॉग है वो मैंने होल्ड किया है, वो मैं कल नहीं परसों अपलोड करूँगी। तो मैं आज आप लोग को पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ एसएल से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग बहुत सारे मैसेज कर रहे थे तो फिर अपडेट देना ज़रूरी था। और आज कल जो ब्लॉग अपलोड होगा वो था हायरिंग के लिए, क्योंकि हायरिंग फ्रीज है, क्या है क्या नहीं है, कितने टाइम के लिए हुआ है, बहुत को कन्फर्मेशन मेल भी गया है, उससे रिलेटेड बहुत मैसेज आ रहे हैं मुझे। तो देखो गाइज, अभी मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी हायरिंग फ्रीज है, मतलब एक टाइम फ्रेम तो नहीं है कितना टाइम रहेगा, बट एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ तो रहेगा ही रहेगा। तो उस बीच आप लोग को वेट करना पड़ेगा, जो लोग की ऑलमोस्ट हाफ प्रोसेस हो गया है, जिनका भी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो लोग प्लीज़ वेट करें। और जिनका कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं उनको यही गाइड करूँगी, आप लोग कहीं और ट्राई करो। अगर होता है उस बीच में, अगर कॉल आ जाती है सेल से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो फिर आप वेट कर सकते हो। और गाइज, आप लोग एक चीज़ ये पूछ रहे थे कि अगर जैसे हम SCL IT में जॉब करते हैं तो फिर क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, आर्ट्स में भी करेंगे तो चलेगा या फिर कॉमर्स रहेगा या फिर 12th। देखो मैं ऑलरेडी ये सब पे वीडियोस बना रखी हूँ, तो इस पे क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है, तो वो आप कर सकते हो। आपको पता है कि अभी IT में आने के लिए सिर्फ कॉम्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत मतलब कम पढ़े लिखे भी लोग आ सकते हैं, नहीं, बट 12th पास होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में किस किस फील्ड में होगा वो मैं अभी आप लोग को अपडेट करूँगी, तो वीडियोस एंड तक देखना गाइस, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन था तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ना ब्लॉग लेंदी होता तो फिर आप लोग स्किप करते हो। मैं 4 से 5 6 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगी, बट मैं उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो अगर मान लो आप 12th हो तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो सिलवाने के लिए, उसका एक अलग रोल है, एक अलग नेम है। आपको पता है कि जो 12th पास है वो टेक भी हैं और जो अंडर ग्रेजुएट हैं वो GT हैं, जो कि ऑलरेडी SCL से जॉब करते हैं। और अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हो, जैसे MCA हो गया, MBA हो गया, या फिर MTech हो गया, या फिर BTech हो गया, BTech तो पता है कि टेक्निकल बैकग्राउंड से है, बहुत सारी चीज़ इसमें टेक्निकल है, बहुत सारी नॉन टेक्निकल है। तो अगर IT में आते हैं ना तो बहुत सारी कंपनी होती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेक्निकल ही है, इसमें नॉन टेक्निकल भी है, टेक्निकल भी है, तो इसमें हर एक बंदे की नीड होती है। और गाइज, मोस्टली ये लोग कंपल्सरी कर दिए हैं कि कॉम्स स्ट्रांग होगा, काम तो हम सिखा देंगे, तो स्टडी कहीं नहीं मैटर, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वो कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता है। अगर आप आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन जो हम नॉर्मल करते हैं ना, BA या फिर इंग्लिश ऑनर्स लेके, आर्ट्स ऑनर्स लेके, हिस्ट्री ऑनर्स लेके, बहुत सारा होता है ऐसे, कॉमर्स से होता है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। अब देखो, जिनकी बिल्कुल फील्ड ही डिफरेंट है, मान लो आर्ट्स से आपने होम साइंस ही किया या फिर कुछ और, मुझे उतना आइडिया नहीं है इससे रिलेटेड, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, आपको IT का कुछ भी नॉलेज नहीं है या फिर नॉन टेक्निकल कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप अगर कोई सर्टिफिकेशन, कोई कोर्स कर लेते हो ना, फिर वहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। बट अगर कोई भी कोर्सेज है या कुछ भी ऐसा है तो आप अप्लाई कर सकते हो गाइज, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि आप देखो, जिस जो भी वैकेंसी निकलती है, ऐसे बहुत बड़ी कंपनी, उसमें बहुत तरह तरह के प्रोजेक्ट हैं, जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें हर एक में क्वालिफिकेशन ऐड रहता है, किस क्वालिफिकेशन वाले को हम हायर कर रहे हैं, या फिर उसमें डाल देते हैं ये लोग डिस्क्रिप्शन। मैंने पहले ब्लॉग बनाया था, मैंने उसमें अपलोड किया था कि क्या क्वालिफिकेशन वालों के लिए अभी वैकेंसी चल रही है, तो हर एक वैकेंसी हर एक क्वालिफिकेशन वाइज होती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका कोई फ्रेंड बोल रहा है, कोई कलीग बोल रहा है कि नहीं कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, आर्ट्स वाले नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सभी कर सकते हैं। देखो बहुत लोग क्या होता है ना, आपके फ्रेंड ही आपको सोचते हैं आगे ना बढ़ने दे, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आपको सोचते हैं कि वो जो मैं कर रही हूँ, जो मैं लाइफ जी रही हूँ वो दूसरा नहीं जिए, तो ये चीज़ बहुत फेस करते हैं लोग। बट मेरी यही थिंकिंग है, आप जितना हेल्प करोगे लाइफ में उतना सक्सेस करोगे। तो आप अपने छोटे, अपने से छोटे को या फिर अपने से बड़े को, जितना आपको नॉलेज है, नॉलेज बांटने से घटती नहीं है, तो देना चाहिए, इसलिए अप्लाई कर सकते हो। और हर एक वैकेंसी, अभी देखो हायरिंग फ्रीज है, अगर हायरिंग निकलेगी, हायरिंग होगी तो देन मैं जरूर से ज़रूर आप लोग को बताऊंगी, सो डोंट वरी। और मैं पहले भी बोली हूँ कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगी वो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रहेगा और रिलेटेड रहेगा,
तो अभी फिलहाल 1 से 2 मंथ के लिए फ्रीज है, बाकी कब होता है बीच में जो वैकेंसी निकलेगी तो मैं बताऊंगी, बाकी अभी कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है गाइस, तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 मंथ। आप देखो अगस्त हाफ मिड तक वेट करो, उसके बाद आप ट्राई करना, कोशिश करना कांटेक्ट करने की अपने एचआर को, अपनी टीम को, ऑनबोर्डिंग टीम को। अगर नहीं होता है इनकेस तो फिर आप कहीं और स्विच कर सकते हो, क्योंकि देखो इसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है। मैं फालतू ही नहीं कि मैं झूठ बोलती, नहीं ये होगा ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यू के लिए मैं चीज़ें गलत नहीं करती हूँ, क्योंकि करियर के सवाल है और किसी के करियर के साथ खेलना बहुत गलत है। तो आप लोग ट्राई करो कहीं और करने का, बाकी ये ब्लॉग मैं ही पैन करूँगी, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है और मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूँगी। तो गाइज सपोर्ट मी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना बेटर है। बाकी अदर कंपनीज में बहुत वैकेंसी चल रही है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन गाइज सिर्फ एक जरिया होता है, मैं ये बार बार कहती हूँ। देखो मैं इतने साल जॉब कर ली तो नॉलेज हो जाता है, जो जिस फील्ड में रहता है उसे उस चीज़ की नॉलेज होती है। क्वालिफिकेशन ओनली एक जरिया है आईटी फील्ड या फिर जॉब पर्पस, मतलब जॉब में जाने के लिए। बाकी आपका सारा क्वालिफिकेशन सारा नॉलेज पे डिपेंड करता है। आपकी नॉलेज अच्छी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज अगर मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए नॉलेज अच्छी रखो तो फिर ज़रूर सक्सेस करोगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गाइस गुड नाइट, टेक केयर, और अभी एसएल की अच्छी अच्छी ब्लॉग आ रही है, सो स्टे ट्यून।